जिहड़ा अडानी दा राहुल गांधी दी कोई किसे नूं तकलीफ नहीं, राहुल गांधी जिहड़ा सच दी आवाज़ चक रिहा, मोदी ते अडानी जिहड़े सके भरा ने उहनां दी गल एक्सपोज कर रहे, रौला इहदा है। उन्हें पुछ लिया भी 20,000 करोड़ रुपया जिहड़ा तुसीं आम लोगों का, सब तो गरीब आम लोगों का पैसा एल आई सी हुंदा है, वो 20,000 करोड़ रुपया जिहड़ा है वो अडानी नूं देता, उहदी गल राहुल गांधी पुछ रहा, तां एक दिन च केस बना के उहनूं उहदी संस्था भी एम पी तो भी कैंसल करता। पर राहुल गांधी वो गांधी फैमिली आ, मंत्री वार चुकिया देश चों, तो वह मोदी तो माफ़ी मंगूगा, वह भी अडानी करके। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े लुधियाना ही नहीं, पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान की शान साढ़े एम पी साहब रवनीत सिंह बिट्टू जी, प्रधान साहब लुधियाना के संजय तलवाड़ जी, देहाती दे प्रधान मेजर सिंह मुल्लापुर जी, वैद साहब कामिल, मेरे सारे कौंसलर भी, सारे ऑफिस बेरर साहबान, धनवादियाँ, तुसी कल जो प्यार सत्कार दिखाया है हौसला बढ़ता है, ताकत मिलती है लीडर। सब तो पहला क्योंकि थोड़ा बहुत साढ़े डिप्टी मेयर साहब शिमलापुरी साहब, साढ़े सीनियर डिप्टी मेयर साहब लोत्रा जी, सी भारत भूषण आशू जी, जेड़े साड़ी कांग्रेस दी जिंद जान, वो अज कांग्रेस भवन आ रहे हैं, तो उन्हां दा सारियां दे वल्लों कांग्रेस, क्योंकि साढ़े प्रधान भी ने, तो वह सच्चाई दी जित होई आ, जेड़ा कोर्ट ने बहुत वड्डा फैसला किया, उन्हां नूं पहलां जी आया करदे आ वेलकम करदे आ, फिर तुहानूं पता जेड़ा अडानी का पैसा, जिहड़ा अडानी दा राहुल गांधी दी कोई किसे नूं तकलीफ नहीं, राहुल गांधी जिहड़ा सच दी आवाज़ चक रिहा, जिहड़ा मोदी ते अडानी जिहड़े सके भरा ने उहनां दी गल एक्सपोज कर रहे, रौला इहदा है। उहदी मैंबरशिप क्यों रद्द कीती आ, उहने पुछ लिया भी 20,000 करोड़ रुपया जिहड़ा तुसीं आम लोगों का, सब तो गरीब आम लोगों का पैसा एल आई सी हुंदा है आपां जिहड़ी कराउंदे आ, ते सारे नूं सरकारी छोटे बैंक जिन्हां च आम लोगों का पैसा, वो 20,000 करोड़ रुपया जिहड़ा है वो अडानी नूं देता, उहदी गल राहुल गांधी पुछ रहा, तां एक दिन च केस बना के उहनूं उहदी संस्था भी एम पी तो भी कैंसल करता। पर राहुल गांधी वो गांधी फैमिली आ, वो दो प्रधानमंत्री वार चुकिया देश चों, तो वह मोदी तो माफ़ी मंगूगा, वह भी अडानी करके, नीरा मोदी करके, वो कहिंदा कदे माफ़ी नहीं मंगदा, एम पी रवां ना रवां पर एक सत्याग्रह देश चो शुरू करूगा। तुसी देखियो चाहे ये मोदी होवे, चाहे मोदी की सरकार इन्हां नूं नंगा करके देश के मूहरे रखू, क्योंकि उहदी यात्रा तो घबराए हुए ने, पहला जिहड़ी कीती आ युद्धी यात्रा जिहड़ी आ उह असीं गुजरात दे विच जा के इटना इट खड़कावांगे, तुसी देखियो किस तरीके नाल जिहड़ियां उह इटां ए मोदी दीआं ढहिंदीआं आउण वाले दिनां च। तो फिर की हो गया, वो डरदा है यार कि इहदा मतलब, इहदा मतलब जे हुण कानून नूं कोई गलत यूज मिसयूज़ कर लवे तो फिर उहदे विच की कर सकदे आ आपां। इस करके उस शरेआम धक्का है, जिहड़ा धक्का है वह कल्ले कल्ले वर्कर, कल्ले कल्ले घर घर असीं गल लैके जावांगे, वह दसांगे लोगों नूं भी राहुल गांधी नूं सिर्फ उन्हें कड़ा आप दी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपने घर दी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोगों के पैसे जिहड़े अडानी ने लुट्टे आ, जिहड़े लोगों के पैसे आ, लोगों के लगने से वो पैसे तो भाई असी कढ़वा के हटांगे बीजेपी तो। केजरीवाल कह रहे हैं कि अमित पाक को लेकर हमने बिना कोई गोली चलाए पंजाब में शांति का मैं हजे उस बाला इशू पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो हजे ऑपरेशन चल रहा है, पर डंडा गोली की गल तो बहुत दूर की गल, बंदा कित्थे आ, बंदा दसो कित्थे आ। देखो मैं पंजाब पुलिस नूं कदे फेल नहीं कहूँगा,
सरकार की जिम्मेवारी होंगी आ, सरकार की करती आ। पंजाब पुलिस साड़ी बहुत बहादुर पुलिस आ। हजे हजे रुक जाओ, हजे ऑपरेशन चल रहे, कोई भी नुक्ताचीनी करना वो गलत होएगा। देखो ये जी मोदी सरकार आ ना, ये बदले की भावना का काम करती हैगी आ। इस बदले की भावना कोई नहीं होनी चाहिए, इस सेवा की भावना होनी चाहिए आ। क्यों इन्होंने जी यदी मैंबरशिप रद्द की आ, जे साड़ी विरोधियां पार्टियां ना वो भी इस गल की निखेधी करती हैगी आ भी जो ये मोदी सरकार ने किया ये गलत किया है। पर कांग्रेस पार्टी दबण वाली नहीं हैगी, इन कांग्रेस पार्टी होर उठूगी। लोगों के संगत के दिलों के बहुत बड़ा रोस हैगा जो ये मोदी सरकार कर रही हैगी आ। और कांग्रेस पार्टी जदों जदों भी देश में आई आ ते साडे हिंदुस्तान ने साडे देश ने तरक्की की आ और बुलंदियां ते पहुंचे आ। जिस वेले साडा हिंदुस्तान आजाद होया उस वेले असी जो अनाज आ वो भी बाहरों मंगवाउंदे सीगे और जो स्पेयर पार्ट होर जो जरूरी वस्ता सी वो भी असी बाहरों मंगवाउंदे हुंदे सीगे। अज साडे हिंदुस्तान ने इन्नी तरक्की की आ, साडे हिंदुस्तान दे विच ही सारा समान बनता और विदेशों नूं असी एक्सपोर्ट करते हैं। और जदों जदों भी कांग्रेस पार्टी आई आ ते साडे हिंदुस्तान ने तरक्की की आ, अज साडा देश बहुत डाउन चल रहा है, बहुत असी पिछे चल गए हैं। मैं इस तरह लगता जिदा असी कि 100 साल पिछे चल गए हैं। तो मैं सारी साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता। थैंक यू। जो हिंदुस्तान की कांग्रेस के जो प्रधान ने खरड़े जी, उन्होंने जो राहुल गांधी जी के नाल पार्लीमेंट की उन्होंने मैंबरशिप कैंसल की है और एक तरह ना बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबाने की कोशिश की है, उस दे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान दे विच भारत दे विच सत्याग्रह शुरू किया गया। क्योंकि राहुल गांधी जी पूरे हावी हो रहे सी और एक अपना प्यार बन रहे सी हिंदुस्तान दे विच, जो कि उन्होंने पिछले दिन ही कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो प्यार बंडिया नफरत नूं मिटाउण की कोशिश की। उस तो मैं समझदा मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अते हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी घबरा चुके सी और कोई ना कोई ऐसा मौका भालदे सी भी राहुल गांधी नूं पिछे किया जाए कि आने वाली जिहड़ियां 2024 दे विच चोणां होणियां ने उहदे विच किते राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन जाए। लेकिन यह फैसला हिंदुस्तान की भारत की जनता ने करना और ये जिहड़ा कदम राहुल गांधी जी की मैंबरशिप पार्लीमेंट के मुअत्तल की आ, इस दे नाल हिंदुस्तान की जनता को ज़्यादा बल मिलेगा और वह उन्होंने हुण प्रधानमंत्री के रूप देखेंगे। क्योंकि भारत अते हिंदुस्तानी जो है जुल्म नहीं बर्दाश्त करते कदे, खास करके पंजाब की जिहड़ी जनता है ये जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती है। और असी कांग्रेसी इस गल की उम्मीद रखते हैं कि आने वाली जलंधर की सीट भी जितांगे तो आने वाले 24 दे विच 13 दे 13 MP इतों जिहड़े कांग्रेस के जितते जाणगे। सो इन्ना कुछ कहिंदा होया हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है उन्हूं कहना भी ये जो औरंगजेब का जां मतलब डिक्टेटरशिप तुसीं धक्का कर दिओ इहनूं बंद करो। और नाल ही पंजाब की जो मौजूदा सरकार भगवंत मान जी की सरकार आ उन्हां नूं भी यह सुनेहा देना चाहूँगा कि जो अज तुसीं पिंडां दे विच चुनिया हुई पंचायतों के उपर जुल्म करदे हो ये जुल्म बंद करो। हरेक जगह पर तुसीं सरपंचां नूं मुलतल करी जाते हो तो सरपंचां नूं परेशान करदे हो, झूठे परचे कांग्रेस के वर्करां के उत्ते करदे हो। ये सारा काम है जिहड़ा हैगा अकाली दल वाले करदे हुंदे सीगे, तुहाडे विच भी बहुत सारे वर्कर अकाली दल तो आए हुए ने, लेकिन उस नीति नूं बंद करके तुसीं जो लोगों नाल वादे किए सी वो वादे पूरे करन दी कोशिश करो ना कि वह करो। भ्रिष्टाचार बहुत बढ़ चुका थोड़े राज दे विच, तहसीलदार 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले जा लैके रजिस्ट्रियां कराउंदे आ और जिहड़ा स्टाम 100 रुपए च बनदा सी 300 रुपए च